कांग्रेस के बहकावे में मत आना, आज वारंटी गारंटी दे रहे हैं कर्नाटक को, वारंट जिनका निकला वारंटी गारंटी दे रहे हैं। और पता नहीं क्या बोल जाए राहुल बाबा, उम्र तो उनकी 50 साल हो गई लेकिन मानसिकता है 5 साल की। कर्नाटक में ही बोल गए सारी मोदी कोर्ट ने, जब कोर्ट ने सजा सुनाई तो भटकते फिर रहे हैं, मोदी जी का नाम ले रहे हैं, कुछ सोच समझ के क्यों नहीं बोलते? समझ है ही नहीं मेरे बहनों और भाइयों, जिसमें बोलने की समझ नहीं है बता वो गारंटी देने के लायक है क्या? ये झूठी गारंटी देने वाले मध्य प्रदेश में गारंटी देने आए थे राहुल बाबा 18 में, सबका कर्जा माफ कर देंगे, जनता ने भी वोट दे दिए, पूरी सरकार नहीं बनी, अधूरी बनी, बहुमत नहीं मिला था, लेकिन 1.25 साल में कर्जा माफ नहीं किया, झूठी निकल गई तुम्हारी गारंटी। राहुल गांधी गारंटी दी थी मध्य प्रदेश में बेरोजगार नौजवान अनएम्प्लॉयड यूथ, उनको 4000 रुपया देंगे, एक थैला नहीं दिया, एक पैसा नहीं दिया, अब यह गारंटी देने आ गए हैं, झूठी गारंटी दे रहे हैं, महिला को पैसा देंगे, बेरोजगार को पैसा देंगे, ये झूठे लोग हैं, याद रखना ये कभी वादा पूरे नहीं करते। कांग्रेस तो खुद भ्रमित है। देखो एक बात मैं कहना चाहता हूं, महात्मा गांधी जी ने आजादी के बाद कहा था कांग्रेस को भंग कर दो, क्योंकि कांग्रेस देश को आजाद कराने के लिए थी, महात्मा गांधी की बात नेहरू जी ने नहीं मानी, लेकिन राहुल गांधी जी ने महात्मा गांधी जी की बात मानी और संकल्प ले लिया कि वो कांग्रेस को खत्म करके ही छोड़ेंगे।